हेलो गाइस जी, नमस्कार। मैं कमलेश जी की रसोई में आपका स्वागत है। मैंने बहुत दिन से सुन रखा था कि बालों में एक प्याज को ऐसे घिस के और उसका जो रस है वो लगाने से बालों का झड़ना रुक जाता है। तो आज गाइस जी, मैं वही करने जा रही हूँ। मेरे बाल वैसे झड़ते हैं, समर की वजह से लगा लो या कैसे भी, कमजोरी की वजह से। या तो गाइज, सिर में थोड़ी इचिंग भी है, तो मैं ये प्याज को घिस के देखो आज मैं ट्राई करती हूँ। मैं खुद देखना चाहती हूँ कि ये कितना काम करता है ये रेमेडी। तो मैंने एक प्याज लिया है और मैं उसको घिस रही हूँ। मैं इसका रस निकाल रही हूँ और गाइस, प्याज घिसने में बड़ी मेहनत लगती है। मतलब अच्छे से वो घिस नहीं पा रही हूँ मैं उसको, वो जो उसकी जो लेयर है ना वो निकल जा रही है। ज़्यादा अच्छे से मैं घिस नहीं पाई हूँ प्याज को, पर जो भी घिसी है वो काफ़ी है। अब मैं इसको इकट्ठा करके इसको निचोड़ लेती हूँ, इसका रस निकल आएगा। आप छलनी में रख कर भी निचोड़ सकते हो गाइज, मैंने तो हाथ से ही निचोड़ दिया इसको। देखो कितना सारा निकल गया जरा सी प्याज से। कितना सारा रस निकल गया है गाइज, मतलब सिर के लिए तो बहुत ही है। अब मैं इसमें हेयर ऑयल की कुछ बूंदे डालती हूँ गाइज, आप अपने अनुसार डाल लेना ज़्यादा या कम। अब इसको ऐसे ही हिला के आप करोगे ना तो वो मिल जाएगा आपस में, प्याज का रस और ऑयल। मैंने डाबर आंवला का ऑयल लिया है क्योंकि हम यही यूज करते हैं। आप नारियल का भी यूज कर सकते हो, आई मीन जो भी आप लगाते हो वो आप डाल सकते हो। सरसों का तेल तो बहुत ही बेटर है, वो भी डाल सकते हो। मैंने एक कॉटन लिया है, कॉटन का फोहा बना के और उसमें ये रस में मैं भेदूंगी और फिर इसको सिर में अप्लाई करूँगी, बालों में अप्लाई करूँगी आई मीन। हर एक बाल की मांग में अच्छे से आपने ये तेल लगाना है। मैंने जड़ों में लगाया है अच्छे से, आप भी जड़ों में ही लगाना इसको। गाइज ये प्याज का रस है, थोड़ा आंखों में लगेगा, चरचरा है ये, पर देखते हैं इसके कितने बेनिफिट हैं।
वैसे गाइस जो मेरे सिर में जो इचिंग्स हो रही थी ना, वो तो लगाते लगाते ही ख़त्म हो गई है। अच्छी रेमेडी है। और देखो मैंने अपने बालों में रस अप्लाई कर लिया है प्याज का, और मैंने जूड़ा बना दिया है सिर में। और गाइज 1 घंटे तक इसको सिर में लगे रहना है, अच्छे फ़ायदे। 1 घंटे के बाद गाइज मैं सिर धो रही हूँ अपना। सादे पानी से सिर धोने के बाद गाइज एक शैम्पू का पाउच जरूर सिर में लगाना चाहिए, क्योंकि प्याज है बदबू आती है तो निकल जाएगी बदबू। देखो मैंने सिर धो लिया है और सुखा लिया है। वाओ स्मूथ हो गए हैं मेरे बाल और इचिंग भी नहीं है मेरे सिर में। वाकई में अच्छी है रेमेडी है।